आज हम आपको बताने वाले हैं माता दुर्गा के त्योहार नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि वैसे तो साल में चार बार मनाई जाती है, दो गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि का संबंध माँ दुर्गा से है और माँ दुर्गा का मतलब है घर के अंदर वैभव, घर के अंदर समृद्धि। नौ दिनों के दौरान दोस्तों घर के अंदर संपूर्ण पवित्र आ जाती है। नौ दिनों के दौरान आपके घर परिवार, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा अपने साथ अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर दें, ताकि आपके घर के अंदर दुख, दरिद्र, गरीबी आने किसी प्रकार की चीज नहीं रहे। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली चीज, दोस्तों आपके घर के अंदर अनावश्यक रूप से कांटेदार पौधे, आपके घर के अंदर ऐसे पौधे जिनकी जरूरत नहीं हो, आपके घर के मुख्य द्वार पर ऐसे पौधे हैं, तो तुरंत आपको इसे घर से हटा देना चाहिए। इसका कारण है दोस्तों, ऐसे पौधे जिस घर के अंदर होते हैं वहां पर देवी लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती है और वहां पर अपने आप ही दुख दरों ने देखने को मिल जाता है। इसलिए ऐसा काम भूलकर भी नहीं करें। दोस्तों, दूसरी चीज है, इस बार की नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार की देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, तस्वीर आदि है तो उसे भी तुरंत हटा दें। दोस्तों, माना जाता है कि मूर्ति, खंडित आदि चीजें आपके घर के अंदर कंगाली को लेकर आती है, इसलिए वहां पर अगर पूजा घर के अंदर 9 दिन आप पूजा करेंगे और देवी देवताओं की तस्वीर खंडित है तो आप मानसिक तनाव होगा और ऐसे तनाव के कारण आप अपने जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता हो, या जिस घर के मुख्य द्वार को खोलने से चरमराने की आवाज आती हो, या जिस घरवार के मुख्य द्वार टूटा हुआ हो, इस बार की नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिनों में इसे तुरंत बदल दे। घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, पहली बात तो ये, और दूसरा, द्वार कभी टूटा, खंडित आदि होता है तो वहां पर देवता नहीं बल्कि वहां पर नकारात्मकताएं प्रवेश करती, इसलिए भूल कर भी ऐसा काम नहीं करें। दोस्तों, इसी तरह जिस घर के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है, ऐसे घर में सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप सही हो जाए ताकि आपके जीवन के अंदर देवताओं की कृपा रहे। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे बड़े बड़े कचरे के ढेर रहते हैं, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे किसी प्रकार की नाली हो और वहां पर हर समय कचरा बहता हुआ रहता है, या गंदगी घरों के अंदर भी कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे घरों के अंदर सकारात्मकता दूर चली जाती है और नकारात्मकता रहती है, इस वजह से देवी लक्ष्मी माँ दुर्गा उन घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर नवरात्रि के दिनों के अंदर आपके घर के ऐसे कांटेदार पौधे और जंगली पौधे हैं जो आपने शौकिया रूप से अपने घर के अंदर गमले में उगाया है, लेकिन दोस्तों ऐसे कांटेदार पौधे आपको मालामाल करने की बजाय आपके घर से देवी लक्ष्मी और माता दुर्गा की नाराजगी भी ला सकती है, तो तुरंत इन्हें हटा दें। इनकी बजाय लाल चटक रंगों की या हजारे आदि के फूल लगाएं, ताकि इन्हें देखते ही माँ दुर्गा इस बार के नवरात्रि आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए और आपके जीवन के अंदर खुशियाँ देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर झाड़ू टूट चुका है, उसके तिनके बार बार बाहर आते हैं, या लाख गुना प्रयत्न कर लिया लेकिन आपके घर की गरीबी दूर नहीं हो रही, तो इसका कारण है आपके घर का झाड़ू। इस बार के नवरात्रि के दौरान आप अपने घर के टूटे झाड़ू को तुरंत बदल दें और नवरात्रि के दिनों के दौरान या नवरात्रि के दिनों से पहले आप नया झाड़ू लेकर आ जाएं, ताकि आपके घर के अंदर नकारात्मकताएं नहीं फैले बल्कि आपके घर के अंदर समृद्धि देखने को मिले। दोस्तों, इस बात की नवरात्रि से पहले आपके अपने घर के अंदर किसी मृत व्यक्ति व्रत पकड़े हैं जो आपने ऐसे ही संभाल कर रखे हैं, तो उसे तुरंत हटा दे, दान दक्षिणा दे दे या उन कपड़ों को घर से बाहर कर दे। कैसे मृत व्यक्ति की कोई ऐसी चीज इनसे गहरा लगाव था, आपके घर के अंदर पड़ी है और आप आपको दुख भोग रहे हैं, तो हो सकता है कोई इस प्रकार का पितृ दोष हो, तो तुरंत उसे आप नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर कर दें, ताकि आपको वह चीज भी बार बार देखने को नहीं मिले।
दोस्तों, जिस घर के अंदर महिलाएं सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करती, रसोई बिना स्नान किए प्रवेश करती है, वहां पर भी अपने आप ही गंदगी आ जाती है। तो तुरंत प्रभाव से सावधान हो जाएं ताकि आपके जीवन के अंदर ऐसी चीजें देखने को ना। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।